तो सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं। तो आई एम पुनीत बिस्ट एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो फिलहाल अभी नहाया, फिर पूजा करी है और अब जस्ट नाश्ता कर रहा हूँ। तो ये लिंगड़े की सब्जी, दलिया, और जो ये रोटी बनती है पूरी पीस के बनाते हैं रोटी। जल्दी जल्दी खाता हूँ क्योंकि कस्टमर दुकान में खड़े हो रहे थे, उनकी कॉल आ रही थी कि 7:30 हो रहे हैं क्योंकि यहाँ जल्दी सुबह हो जाती है और लोग टाइम से आ भी जाते हैं अपना काम करने। तो बस अब खाते हैं फिर चलते हैं। तो फिलहाल नाश्ता भी कर लिया, अब जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, दुकान में कस्टमर हैं। बाकी सब बढ़िया, अभी वीडियो अपलोड में लगा रही थी मैंने क्योंकि कल रात को मैंने चलो एडिट करी, मैंने कहा जल्द अलग लगा देता हूँ वीडियो। तो फिलहाल दुकान में हूँ, जो कस्टमर आ रहे थे तो उन्हें सामान ले लिया जो चाहिए था। तो आज वैक्सीन लगेगी अपने को पहले डोज, देखते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हो रहा है कि जिन जिन को वैक्सीन लगी है मतलब आधे से ज़्यादा को थोड़ी ढीले पड़े हैं, तबीयत खराब हुई है या कुछ, अपना देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी मैं पेट्रोल भी बेच रहा हूँ, ब्लॉग में बता रहा है। तो फिलहाल 10:25 हो चुके हैं अभी, तो अभी पहले सीयूसी मार्केट जा रहे, कुछ काम है, देन उसके बाद वैक्सीन लगाने जाएंगे। बैज रहा हूँ 4 बजे। तो अब इसमें पावर वाला हो, आज ही मैंने इसमें 5 लीटर पावर वाला तेल डाला है, दिल्ली से मंगवाया था ना, तो अब स्पीड सही आ रही है, मतलब अब नहीं लग रहा, अब सही लग रहा है चलाने में। ये अब फील है, वरना पहले थोड़ी सी अजीब सी चल रही थी क्योंकि नॉर्मल तेल डल रहा था, बट अब सही चल रही है। हाँ ये कहाँ से हुए था कि हमने जरा सीमेंट आरा करा, तो कल मैं चेक कर रहा था यूट्यूब भी साथ दे रहा है समय, तो मैं सबसे यही कहूँगा यार वीडियो पूरी देखा करे और शेयर भी मार दिया करे मेरे को। जैसे कुछ सब्जी देनी थी तो सब्जी देके फिर सीधा वैक्सीन लगाने चलेंगे। बैठ। अभी दूर थोड़ी ना आई है, अरे तो ये है पल्ली छान का हॉस्पिटल, काशीपुर वाले डॉक्टर हैं, काशीपुर वाले हम लगा देंगे सर पर हंसते हंसते करके दोनों। तब भीड़ देगा कितने? 25।
यूट्यूब से पेमेंट आ गई मैंने ये मेरी यूट्यूब की पेमेंट है ठीक है, ये एक मजाक है, कोई पेमेंट नहीं आई अभी, अभी तो यहाँ $100 भी नहीं है अपने। तो वैक्सीन लग चुकी है अपने को और दवाई भी मिली है, कहीं बल फीवर आए तो ये दवाई ले लेना, तो हमें मिल चुकी है। मनीष भाई डर गए, तो अब 2 महीने 15 दिन बाद लगेगा दूसरे डोज में। आज महादेव में शिवालय मंदिर है जो हमारे गांव के ऊपर, भंडारा है वहाँ, तो वहाँ भंडारा खा के आएंगे, अब तो सीधा वहीं जाएंगे। तो अभी तो दर्द नहीं हो रहा वैक्सीन से, क्योंकि जो मेरे साथ है उसे तो दर्द हो रहा हाथ में, मेरे को तो नहीं हो रहा फिलहाल। 16,000 में इसकी सर्विस होगी, पहले दिल्ली जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा देहरादून या पौड़ी या श्रीनगर, इन तीनों में से एक जगह जाऊंगा। अगर पौड़ी जाऊंगा तो श्रीनगर तो जाहिर सी बात है चले जाऊंगा, तो वहीं सर्विस करवा लूंगा। तो ये पानी आ रहा है ना ये ऊपर पहाड़ों से आता है, तो यहाँ पे पाइप लगा के कर रखा है और पाइप होने के लिए सही है। धोली हमने, ये अभी वहाँ पे धो रहे हैं और वहाँ पहाड़ों से आता है पानी, यहाँ पे पाइप लगा के बेस्ट। तो बोरी शिवालय मंदिर, आज यहाँ पे भंडारा है। तो खाने स्टार्ट करते हैं। चुप कोई नहीं, तो अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर वीडियो एडिट करेंगे, फिर आप लोग बता रहेंगे इसे भी। तो 4 बज चुके और अभी हम जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं बेरोखाल जा रहा हूँ पापा जी को लेके, क्योंकि कुछ काम है वहाँ पे अभी अपना, तो वो काम करके आते हैं। और बाकी वैक्सीन लग चुकी है तो अभी थोड़ा सा सर भारी हो रहा है, तो उन्होंने हमें दवाई दी है कि अगर फीवर आता है तो इस दवाई को खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो हमारे यहाँ पे अभी डेली के 200-200 स्लॉट बुक हो रहे हैं। इस बार जितनी भी ये खेत है ना, इन्हें बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि घाटा इसी मौसम, बारिश इतनी लगी थी इस समय और बारिश के चलते मार्केट भी थोड़ी बंद सी रहती थी, फिर माल जाने में दिक्कत कुछ, तो इस बार इन्हें बहुत घाटा हो गया। इतनी मेहनत करी है, मतलब कम से कम 6-7 महीने बहुत मेहनत करते, क्योंकि खेतों को बहुत खेंडा जाता है, फिर पौधे लगाने, फवायर डालना, बहुत कुछ करते हैं, तन उसके बाद पूरी मेहनत खराब हो गई। कुल्लूरी नमस्ते दीदी, हम अब हम तार करने वो खड़े बाइक तो जा रहे ऊपर। बनाया तो सही है इन्होंने, आराम से आएगी बाइक है। बस
ये वो देर लगो मिले घर के जाना हमारा पड़ोस घर मेरी चल चुक गया ना वो अरे चलो मैं जाऊं चल ये ना गलो ओ जाऊ लब लब बड़ा मस्त गांव है भाई राजेश जी राजेश जी जाइए तो पुराने घर ऐसे होते थे जैसे कुंडी है ना लोहे की देखो लगी है यहाँ ताला लगाओ कोई नहीं निकाल पाएगा भाई दरवाजे भी बहुत पुराने देखो मोटे मजबूत बहुत होते थे पहले की चीजें बहुत हार्ड थी मस्त एकदम पता ही होगा ये चीजें तो पटेले हमारे यहाँ पे पटेले बोलते हैं गढ़वालियों में मतलब हर जगह के अलग अलग बोलते बुढ़ियाना गांव था मस्त था आगे फिर अब जो काम के लाए थे वो हो गया अब जा रहे हैं घर के लिए वैसे इस रास्ते में बाइक जा सकती थी बट मैं लेके नहीं गया क्योंकि हर चीज़ बाइक में अच्छी नहीं लगती फिलहाल मैं रोड में पहुंच गया अब कैमरे को लगाता हूँ बाइक पे पहुंच चुके हैं अपने घर अभी मैं मुंगरी लेने आ रहा हूँ और यहाँ पे जो यहाँ पे नेपाली भाई रहते हैं वहाँ पे झोपड़ी है आसपास कहीं सांप सांप दिखे अभी तो अभी वो दवाई डाल रहे हैं ताकि आसपास ना आए जिम्मी चलो जल्दी चल जल्दी चल किरण ठीक है ठीक हाँ एक किलो दे दो अरे पाँव अभी तक ठीक नहीं हो उसको तो भाग क्यों रहा है भैया हाँ